WWE के पांच सबसे खतरनाक रेसलर। WWE एक ऐसा रेसलिंग चैंपियनशिप है जिन्हें जीतने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े खतरनाक रेसलर अपने जान तक का भी परवाह नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे WWE के पांच सबसे खतरनाक और डरावने रेसलर के बारे में। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक वीडियो। अंडरटेकर WWE के सबसे खतरनाक रेसलर है जिन्हें डेडमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनके भयंकर लुक्स को देखकर अच्छे अच्छों की पसीने छूट जाते हैं। इसने WWE में 32 साल तक काम किया है जो कि सबसे लंबा समय तक रहा है। इसकी पूरी करियर में किसी में इतना दम नहीं जो अंडरटेकर को हरा सके। इसने ब्रॉक लेसनर जैसे ताकतवर रेसलर को भी कई बार धूल चटाया है। इसकी एंट्री होते ही अंधेरा छा जाना और इनकी आंखें सफेद हो जाना इसकी एंट्री को और भी ज्यादा डरावना बनाता है। इन्हें WWE का भगवान भी माना जाता है जो 7 बार मरने के बाद भी जिंदा हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है, WWE में होने वाली फाइट रियल होते हैं स्क्रिप्टेड? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुगीमैन WWE का सबसे डरावना रेसलर है जिन्हें देखकर सामने वाले डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि ये केचुए को खाता है। इनके साथ फाइट करने में हर किसी की फटती है क्योंकि ये अपने मुंह में से केचुए निकालकर दूसरे रेसलर के मुंह में डाल देते हैं। एक बार तो इसने एक मैडम के मुंह में एक केचुए डाल दिया था जिससे उस मैडम की तो ऐसी की तैसी हो गई। बुगीमैन अपने गले में दिल, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में पोटली होता है जिसमें भर भर के केचुए होता है और वो उसे निकालकर खाता रहता है। जेक रोबोट फाइट करने में उतना खतरनाक तो नहीं है, फिर भी इसके साथ फाइट करने से बड़े रेसलर डरते हैं क्योंकि ये रिंग में अपने साथ सांप को लेकर आता है और जैसे ही ये मैच हारने लगता है तो ये अपने साथ लाए हुए सांप से अपने अपोनेंट को कटवा देते हैं। इसी वजह से इसके साथ फाइट करने से हर कोई डरता है। जेक रोबोट अपने साथ अजगर सांप तो कभी कोबरा जैसे खतरनाक सांप को लेकर आता है। केन WWE में अंडरटेकर को छोड़कर आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो केन को हरा सके। इसकी एंट्री होते ही आंखों की बारिश होने लगती है जिसे देखकर सामने वाले रेसलर की तो हवा टाइट हो जाती है। ये जितना अपने ताकत के लिए जाने जाते हैं उससे कहीं ज्यादा ही अपने डरावने लुक्स की वजह से जाने जाते हैं क्योंकि केन अपने चेहरे में एक डरावने मास्क लगाकर आते हैं। अगर ये एक बार किसी को उठाकर पटक दे तो उनका घायल होना तो तय है। गोल्डबर्ग अगर आप WWE देखते हैं तो आपने इस रेसलर को जरूर देखे होंगे जो अपने ताकत के लिए ही जाने जाते हैं। इनके साथ फाइट करना यानी अपनी हड्डी पसली तुड़वाने जैसा होता है। अपने 53 साल के उम्र में भी ये ऐसे खतरनाक बॉडी के साथ फाइट करते हैं जिनकी हाइट 6 फीट 3 इंच है। इसने कई बार बड़े बड़े रेसलर को भी अपने आगे धूल चटाया है। दोस्तों WWE में आपका फेवरेट रेसलर कौन सा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाए बेल आइकन को नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।